मुकेश टेवानी और मेरे यूट्यूब चैनल टेवानी मुकेश में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आया हूँ पावागढ़ माँ काली के चरणों में अपना शीश झुकाने। यहाँ पर आप बाय रोड, बाय ट्रेन या फिर आप आना चाहते हैं बाय एयर, तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है बड़ौदा का। बड़ौदा से इसकी दूरी है 54 किलोमीटर की, गोधरा पंचमहल से इसकी दूरी है 48 किलोमीटर की और अहमदाबाद से इसकी दूरी है 152 किलोमीटर की। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है पावागढ़ का टैक्सी स्टैंड और यहाँ से ऊपर पावागढ़ हिल जाने के लिए लोकल ऑटो मिल जाएगी जिसका किराया रहता है पर पर्सन 20 रुपये। सामने की तरफ आपको नजर आएगा सीढ़ियों का ये रास्ता। आप अगर सीढ़ियों से ऊपर जाना चाहते हैं तो लगभग 2000 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर जाने में लगभग आपको लगेगा 1 से 1.5 घंटा। और अगर आप जाना चाहते हैं रोपवे से तो आपको खर्च करने पड़ेंगे अपनी जेब से एडल्ट के लिए 150 रुपये और बच्चों के लिए 77। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं आ आया हूँ पावागढ़ और आज अभी हम जा रहे हैं उड़न खटोले में बैठ के। मेरे सामने बैठे हैं मेरे मित्र मोहित भाई। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत टाइम बाद यहाँ पे आया हूँ और आज बहुत टाइम बाद माँ के दर्शन होंगे। बहुत खुश हूँ, अपने परिवार के साथ आया हूँ और यही चाहता हूँ कि सब खुश रहे और यहाँ आते रहे। बहुत अच्छी जगह है, आप भी कभी आइएगा। आप अगर ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरह से नीचे का ये नज़ारा आपको दिखाई देगा। लगभग 774 मीटर की ऊंचाई के साथ पावागढ़ रोपवे देश का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला रोपवे है। नीचे से ऊपर तक जाने में इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट का समय लगता है। यह उड़न खटोला यात्रियों को माची हवेली से पावागढ़ पहाड़ी तक 297 मीटर तक ऊपर ले जाता है। वहाँ से यात्रियों को मंदिर तक पहुँचने के लिए 250 मीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। अभी हम बेसिकली रोपवे से आए, अब हम नीचे से कुछ 45 मीटर की डिस्टेंस है और हमने रोपवे में कुछ 5-10 मिनट में कवर करी और अब यहाँ से हम दर्शन करने जाएंगे। तो संडे को काफ़ी भीड़ रहती है, राइट? या संडे को काफ़ी रहती है और ये छुट्टियों का भी आखिरी दिन है, क्योंकि जैसे आप रोपवे से उतरेंगे तो ये मार्केट है, यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें आप खरीद सकते हैं अपने परिवार वालों के लिए, ऐसा टोकन जो हम बोलते हैं लेके जा सकते हैं। पावागढ़ जो पंचमहल का प्रवेश द्वार है उसे 2004 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब भी मिला हुआ है। यह एक प्रसिद्ध महाकाली का मंदिर है जो हर दिन हजारों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। ऐसा कहा जाता है कि राजपूत राजा वनराज चावड़ा ने अपने बुद्धिमान मंत्री चंपा की प्रिय समृति में पावागढ़ के तल पर चापानल की स्थापना की थी। उड़न खटोले से उतरने के बाद माँ काली के दर्शन करने के लिए आपको चढ़नी पड़ेगी तकरीबन 250 सीढ़ियाँ। हाल ही में 18 जून 2022 के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 500 साल बाद महाकालिका मंदिर में दोबारा भगवा लहराकर इस दिन को सुनहरे अक्षरों में अंकित किया है और सनातनियों को उनका ये प्राचीन मंदिर वापस दिया है।
उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।